अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं जमील अहमद और आप देख रहे हैं वान ऑटो ऑल राउंडर। दोस्तों आज मेरे पास एक बाइक आया है जिसमें ये मसला है कि दोस्तों इसका गियर लगाते हैं, पहला गियर लगाएं दूसरा लग जाता है, दूसरा लगाएं चौथा लग जाता है, ठीक है, चौथा लगाएं तो निकल बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। इस बाइक में ये मसला है, तो मैंने सोचा इस पॉइंट पे एक वीडियो नहीं चाहिए ताकि मेरे जो दोस्त हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं, लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो मेरी वीडियो देख के इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों इसी सिलसिले में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करते करते जाइएगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों पहले तो मैं बाइक के पास जाने से पहले ना बाइक के पास वैसे मैं जाने लगा हूं। इससे जाने से पहले मैं जिस कस्टमर का बाइक है पहले उनसे मैं थोड़ी सी बात आपकी करवा देता हूँ ताकि यार आपको जो कन्फ्यूजन होती है ना वो आपके बिल्कुल दूर हो जाए। तो पहले इन भाई से बात कर लेते हैं, भाई क्या कहते हैं, फिर आपको जो भी मामला हैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। चलते हैं दोस्तों पहले भाई की तरफ, जिनका बाइक है हमारे कस्टमर हैं उनकी तरफ चलते हैं पहले। अच्छा दोस्तों ये हमारे पास बाइक आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने थोड़ा सा खोला हुआ है, बरा लिया कि मैं इसको आपको पहले जो कस्टमर हैं इनसे बात करवाता हूँ आपकी। ये हमारे टूल किट भी सामने है, अब हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे। तो भाई से पूछते हैं, भाई आप बताएं इसमें क्या मसला है। पहले अस्सलाम वालेकुम कर दें भाई। इसके अंदर ये था कि गियर उल्टा लग रहा था और पिछली साइड गियर निकालो तो ये गियर निकलता नहीं था, लगता था वो सिर्फ डायरेक्ट चौथा गियर लगता था, उसके अलावा कोई गियर नहीं लग रहा था और अगली साइड पर गियर इसके निकल भी नहीं रही थे, किट वगैरह इसकी काम नहीं कर रही थी, गियर में बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। इस वजह से ये भाई के पास मैं आया हूँ इस मोटरसाइकिल का काम करवाने के लिए। ठीक हो गया। तो दोस्तों आपने इनकी बात सुनी है, ये कह रहे हैं कि इस बाइक का वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वही मसला था, पहला लगाओ दूसरा लग जाता है, दूसरा लगाओ तो पांचवा लग जाता है, पांचवा इसमें होता कोई नहीं है, चौथा लगता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा आपको मैं चेक भी करा दूँ, तो मेरा ख्याल है व्हील घुमा के भी देखिए हमारा, ये देखिए व्हील बिल्कुल अभी इस टाइम गियर में है, तो इसको बोलता हूँ कि निकाले गियर, ये देखें पीछे की तरफ निकाल रहे हो आप, ये देखें अभी पीछे की तरफ निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा गियर बिल्कुल नहीं निकल रहा, निकालो निकालो, ये देखें अभी भी गियर में ही बाइक हमारा नहीं निकल रहा, ठीक है। अब आगे की तरफ करो, अभी आगे की तरफ कर रहा है, साथ में इसको व्हील को घुमा रहा हूँ, ये देखिए ना आगे निकल रहा ना पीछे निकल रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता चलूँ कि अब इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं, अब आपने फॉल्ट देख लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने जो पॉइंट होते हैं ना कि आपने किस तरीके से स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना, तो सबसे पहले आपने दोस्तों इसका टापा वगैरह खोल देने, इधर वाला टापा खोल के गियर लीवर बेशक लगा रहे, कोई मसला नहीं है। आपने ये स्टॉपर पत्री की सॉरी लगा होता है, न्यूट्रल स्विच लगा होता है, ये आपने खोल लेना है, यहाँ से मैंने इसकी पत्री खोल दी है, पत्री खोल के ये आपने प्लास्टिक बाहर निकाल देनी है। तो बस दफा तो दोस्तों हमारा ये मसला होता है ना कि इसका ये जो बोल्ट होता है ना ये वाला अंदर एल की वाला बोल्ट लगा हुआ है ये, ठीक है, तो ये बोल्ट हमारा लूज हो जाता है, फिर भी हमारे गियर प्रॉब्लम करते हैं, गियरों में मसला आता है अगर ये बोल्ट हमारा सिर्फ लूज भी हो जाएगा तो, ठीक है। तो इसका बोल्ट मैंने चेक किया है, इसका बोल्ट मैंने फिर दोबारा आपको सली करवा देता हूँ, बोल्ट तो इसका बोल्ट तो लूज नहीं है। तो दोस्तों इसका बाज वही होता है कि हमारा ये बोल्ट हमारा लूज हो जाता है, एलकी में लगा के आपको चेक करता हूँ बोल्ट हमारा, इस टाइम ये देखें बिल्कुल टाइट है, मैं इसको यहाँ पे टाइट करता हूँ तो ये वैसे यहाँ पे आके एक जगह पे आके टाइट हो जाता है, बराली टाइट नहीं हो रहा इसका, ये बोल्ट बिल्कुल टाइट है, मैंने सली अपनी की है, सही है, चेक किया है, इसके बोल्ट का मसला नहीं है। तो आपने चेक कर रहे कि आपका बोल्ट लूज तो नहीं है। अब दोस्तों इसमें बोल्ट का अगर ये बोल्ट अगर आपका लूज नहीं है फिर इसमें क्या मसला होता है, फिर मैं इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपने दोस्तों इसका ये मसला होता है ना, मैं जो आपको स्टार्टिंग में बता दूँ बाद में जब खोलूँगा आपको नज़र आ ही जाएगा। अब इसका यार दोस्तों इसकी जो स्टॉपर पत्री होती है वो स्टॉपर पत्री साइड पे लगी होती है, परली साइड पे, हमें साइड खोलनी पड़ेगी परली साइड वाली, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी जो साइड है ना ये वाली, इसका गियर का जो सारा फंक्शन होता है ना, हमारा सिस्टम जो होता है जो इसकी मतलब है जो वर्किंग होती है सारी हमारी इस साइड पर होती है, गियर लीवर हमारा वहाँ लगा होता है, बहरहाल वर्किंग सारी हमारी यहाँ से हो रही है, सेटिंग वगैरह हमारी सारी यहाँ से होती है। तो हमने इसकी साइड खोलनी है वाली, साइड खोलने की वीडियो मैंने काफ़ी सारी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, काइंडली आप चैनल पर विजिट करें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो साइड वैसे खोलने का तरीका का छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर खोल के मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए इसमें ये मसला है, इसका मैंने सबसे पहले मैंने ये सिलेंसर खोलना है, ये दो बोल्ट खोलने हैं, एक ये वाला, ये दो सिलेंसर के ये वाले खोलने हैं, एक ये वाला मैंने खोलना है, ठीक है। किक उतार रही है, ये फुटबार उतार रही है, तीनों चीज़ें उतार के फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। और ये चीज़ें सारी खोल के दोस्तों उसके बाद आपने इसका वो भी आयल सबसे पहले आपने निकाल देना है, ठीक है, आयल निकालना पड़ेगा क्योंकि आयल हमारा जब साइड हम खोलेंगे आयल हमारा नीचे गिर जाएगा, तो उसके सिलसिले में मैंने ट्रे नीचे रख दी है, ये आपको नजर आ रही होगी, मैं ट्रे में निकालूंगा आयल खोलूंगा नहीं, बहाली बोल्ट खोलूंगा तो हमारी सारा टापा खुलेगा तो आयल सारा हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तरामी बड़ी रखी हुई है। तो अभी जल्दी से खोलते हैं इसको, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका मैंने सिलेंसर खोल दिया है, फुटबार खोल दिया है, किक खोल दिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों एक आपको बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जैसे ही आप इसको खोलते हैं साइड के काबलों में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो जब आप खुद साइड घर में खोलेंगे, जब आप अननोन बंदे हैं, तो इस वजह से मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि ये जो तीन काबले होते हैं एक दो तीन, ये हमारे तीनों डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है, और बाकी जो सारे होते हैं उनका साइज़ सारा अलग होता है। खोलता हूँ आपको चेक करता हूँ, मैं साइज़ पहले आपको चेक करता हूँ, सबसे बड़ा किधर लगेगा, उससे छोटा किधर लगेगा, उससे छोटा किधर लगेगा, ठीक है। और जो बाकी नीचे वाले काबले होते हैं ना वो सारे हमारे एक जैसे होते हैं,
तो ये जल्दी से मैं खोल के आपको बता देता हूँ कि ये काबिले आपने देख लेने, ध्यान रख लेना, मैं आपको समझा दूँगा। जब आप खुद घर में खोलेंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा, मुश्किल परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। मेरे पास आएंगे तो फिर वो अलग बात है, मुझे तो पता होता है। तो अभी देख रहे हैं आपको ये सामने तीनों काबले खोल रूँ। तो दोस्तों इसमें हमारा ये होता है कि ये काबला हमारा सबसे बड़ा होएगा, ये देखें ये काबला फुल बड़ा है, ठीक है, और ये वाला इससे छोटा होएगा, सॉरी ये वाला सबसे बड़ा, ये वाला सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा मेरा ख्याल है ये वाला, हाँ ये वाला उससे छोटा होता है, सबसे बड़ा। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा। अब इन तीनों काबलों में आप फ़र्क देख लें। ये जब आप लगाएंगे भी तो इसी तरह लगाएंगे, अगर ये वाला आपने इधर लगा दिया तब भी आपका काम खराब हो जाएगा, ये इधर लगा दिए, ये आपने काबले अपनी जगह पर लगाना है, सबसे बड़ा इधर, उससे छोटा इधर, और उससे छोटा इधर, और बाकी जो हमारे काबलों के साइज़ होते हैं वो सारे सेम होते हैं। मैं खोल के आपको चेक करा देता हूँ। तो इन काबलों का सिर्फ आपने स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, बाकी कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी आपको फिटिंग के दौरान, और कोई भी मसला नहीं होगा। ये मेन एंड पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इसके सारे बोर्ड लूज कर दिया, इनके आपको साइज चेक करा दिया, देखिए इनके सबके साइज एक जितने होंगे साइज में, ये देखें, ठीक है, ये देखें, इनमें फ़र्क नहीं होगा, ये साइज बिल्कुल मतलब एक जैसे होंगे, ये देखें, ये देखें, ये जो पांच बोल्ट हमारे होते हैं ना, पांच, ठीक है, ये पांच बोल्ट बिल्कुल सेम साइज होते हैं। और ये आपने जो नीचे की तरफ इन तीन को छोड़ के ना, इन तीनों को छोड़ के आपने बाकी सारी जगह पे ये पांच साइज़ के आपने लगा देने हैं, ठीक है। और बाकी आप देखते हैं ये दूसरे तो आपने देख लिए होंगे, बस सिर्फ इन तीन, ये जो तीन बोल्ट हैं ऊपर वाले, इनमें खाली साइज़ का फ़र्क होगा, और बाकी जो होंगे सारे हमारे एक जैसे होंगे, ठीक है। ये तीन बड़े छोटे होंगे, फिटिंग के दौरान भी आपको बताऊँगा वैसे, पर ये खोलने के दौरान आपको मैं बता रहा हूँ कि ये काम आपने चेक कर लेना फिटिंग के दौरान। ये काम हो गया दोस्तों, काबले खोल के आपने थली कर लेनी है कि सारे आपने काबले खोल दिए हैं। तो सारे काबले इसके छः सात इसके टोटल होते हैं पाँच और तीन आठ काबले होते हैं, आठ काबले मैंने खोल दिए। आपने यहाँ से टापे को पकड़ना है, ऐसे इलाज ला के आपने बिल्कुल बाहर निकाल देना ये, ठीक है। तो नीचे आपने ट्रे रखनी है, नीचे आपने ट्रे रखी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें आपने नीचे ट्रे रख लेनी है। अगर आयल आपने अगर पहले नहीं खोला तो पहले खोल दे तो फिर ट्रे की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह आपने इसको लाना है, हिला के आपने बिल्कुल बाहर निकाल देना है। और इसका जैन मैं देखती हूँ, जैन बच जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जैन भी नहीं लगा देंगे। तो ये जैन हमारा बिल्कुल बच गया। और दोस्तों एक बात आपको बताता चलूँ, जब खोलने के दौरान आपने क्लच केबल भी उतारनी होगी साइड का, जो पला आप खोलेंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखें यहाँ से अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ, ये देखें इसकी एक चीज़ टूटी हुई है, मैंने आपको बताया था कि या स्टॉपर पत्री का मसला होता है, या स्टॉपर पत्री का रोला होता है, या फिर हमारा ये जो शाफ्ट होती है शाफ्ट का स्प्रिंग होता है। खोलूँगा तो आपको बताऊँगा, अभी आप देखें ज़रा। अब दोस्तों इतना आपने खोल लिया है, उसके बाद दोस्तों आपने ये इसकी एक डबल सी होती है ये वाली, मैं हाथ थोड़े साफ़ कर लूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपने खोल के सारी साइड खोल के आपने ये बाहर निकाल देनी है, ठीक है, इसकी जो ऑयल पंप होती है ये हमने निकाल दिया। और दोस्तों बाद दफ़ा ये होता है कि ये आप ये निकाल देंगे बाहर, बाद दफ़ा ये होता है दोस्तों आप जब क्लच प्रेस करते हो आपकी एक आवाज़ आती है इंजन के अंदर से, वो हमारी जो इंजन की आवाज़ होती है इस बैरिंग की आवाज़ होती है, ठीक है। तो अगर क्लच दबाने पर अगर आपकी आवाज़ आती है तो आपने सिर्फ ये बैरिंग चेंज करना है अपना, और क्लच को भी इसको साइड को बंद कर देना, आपकी आवाज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका तो क्लच का मसला नहीं था, इसका गियर का मसला था, इस वजह से मुझे इसका गियर खोलना पड़ रहा है, सॉरी यहाँ साइड सारी खोलनी पड़ रही है। अब चोरस बिट की मदद से मैं बोल्ट खोल देता हूँ ये वाले चारों, ठीक है, ये एक हमारा खोल गया इसी तरीके से, ये चारों बोल्ट में लूज करता हूँ। तो ये बिट पिचकर होता है, इससे जल्दी खुल जाते हैं, तब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चोरस पिचकस दो जी, क्योंकि अगली चीज़ ध्यान करो ना, ठीक है। चारों बोल्ट आपने लूज़ कर दिए, मैंने लूज़ कर दिए हैं, अभी सिंपल इसको मैंने खोलना और टिक्की को बाहर निकालना है। इसके अंदर हमारा जो बड़ा क्लच बक्से का जो बड़ा नट होता है वो हमने फिर खोलना होगा। तो मैंने वैसे काफ़ी वीडियो अपलोड की है साइड के वाले से, अगर ये वीडियो आपको सही समझ नहीं आती कोई और वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह उसमें आपको सही क्लियर समझ आ जाएगा। आनी चाहिए जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा निकल चारों बोल्ट हमने खोल के टिक्की को रास्कों से ऐसे लाना है, टिक्की हमारी बाय, ठीक है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। तो अब दोस्तों हमने इसका ये बड़ा काबला जो होता है इसका क्लच बक्से का, ये काबला हमने खोलना है। काबला खोलने से पहले मैं इसके जो लाख होते हैं ये वाले, ये लाख हमें सीधे करने पड़ते हैं, ये जो लाख लगा हुआ है ये हमें सीधा करना पड़ता है, एक लाख इसके अंदर प्रेस हुआ होता है। तो ये लाख एक आपने सीधा कर देना है, बाकी लाख हमारे दूर ही होते हैं, बस एक लाख ये वाला आपने थोड़ा सीधा कर देना है, ठीक है। सीधा हो गया, इनको भी अगर थोड़ा सा अगर बहुत नज़दीक है तो आप इनको ऐसे पेचकस डाल के ऐसे थोड़ा दूर कर सकते हैं, कोई इसमें मसला परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये आपने लाल दूर करके आपने इस वाले नट को खोल देना है। मैं पेचकस के साथ, इसकी मेरी गोटी नहीं है, मैं पेचकस के साथ इसको खोलूंगा, तो पेचकस के साथ बहुत आसानी से खुल जाता है, कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती। ऐसे आपने यहाँ पे पेचकस रखने और ऊपर थोड़े की मदद से पंच करना है तो आपके साथ ये नट खुल जाएगा।
ठीक है जी। तो नट हमारा लूज हो गया, अब इसको बाहर निकालते हैं, नट को बिल्कुल खोल देते हैं। ये नट खोल के दोस्तों इसके अंदर एक हमारी वाशर लगी होती है, उसके ऊपर आउटसाइड लिखा होता है, ठीक है। ये वाशर आपको नज़र आ रही होगी, ये वाशर आपने दोबारा भी इसी तरीके से फिट करनी है, आउटसाइड बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लाख, ये वाशर हमारे गिर गया नीचे ही। तो ये दोस्तों इसकी वाशर के ऊपर देखें, आउटसाइड आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ये देखें, ठीक है। ये आउटसाइड जो लिखा होता है ना, ये हमारा बाहर की तरफ होता है जब हम दोबारा इसको फिट करेंगे। तो ये हो गया लाख और नोज प्लास की मदद से, आपने प्लास या नोज प्लास जो कुछ भी आपके पास, इसको आपने पकड़ के ऐसे घुमा के आपने बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने लाख इस तरीके से बाहर निकाल देना है, ये लाख हमारा बाहर निकल गया। अब दोस्तों आपने इस बक्से को, क्लच बक्से को पूरे को पकड़ना है, पिछली गरारी समेत, ठीक है। ये गरारी समेत आपने बिल्कुल इसको बाहर निकाल लेना, ठीक हो गया, ये हमारा निकल गया। अब दोस्तों आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ से आपने ना इसका ये वाला लाख, बड़ी गरारी का लाख खोलना है, ऐसे आपने इसको पेशकस देना है, ऐसे करके पेशकस देके, तो ये आराम कौन से बाहर आ जाते, इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं होती, ठीक है। ये हो गया, ये ठीक है, ये हमारा लाख बिल्कुल बाहर आ गया। इस तरीके से आपने ये लाख निकाल देना है, ये वाला ये लाख हमारा बाहर आ गया। अब दोस्तों आपने बड़ी गरारी पकड़नी है इस तरीके से, और ये बाहर निकाल देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी आती है पॉइंट वाली बात, जो मैंने आपको समझानी है, इतनी देर आपने वीडियो देखी है, अब ये चीज़ समझाने वाली है, ये अपने जहन में आप अच्छे तरीके से डाल लें। तो दोस्तों अगर तो आपके बाइक गियर मसला का रहा है, गियर जिस तरीके से ये प्रॉब्लम का रहा है ना, लगाओ कोई और लग जाता है, मतलब न्यूट्रल नहीं होता, आगे करो तो न्यूट्रल हो जाता है, पीछे करो तो गियर लग जाता है, उसमें दोस्तों ये होता है कि इसमें आपकी ये स्टॉपर पत्री होती है ना, ये देखें टूटी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये इसका ये हिस्सा होता है, ये स्टॉपर पत्री हमारी ये यहाँ पे, ये देखें ये वाली ये स्टॉपर पत्री होती है, ये वाली ये भी टूटी हुई है, देखें ये ऐसे इसके आगे लगी होती है, आपको दिखाता चलो करीब करके दिखाता हूँ, ये ऐसे हमारी ये पत्री लगी होती है इसके साथ ही ऐसे करके, अभी मैं नहीं लाऊंगा तो आपको दिखा दूँगा, ऐसे आपको यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, ये इस तरीके से हमारी स्टॉपर पत्री होती है ना, इस तरीके से होती है, आपको यहाँ से ही नज़र नहीं आ रहा होगा, ये अब इसका हिस्सा ये टूटा हुआ है। अब स्टॉपर पत्री टूटने की वजह से जो हमारे गियर अभी प्रॉब्लम कर रहे थे ना, ये स्टॉपर पत्री टूटने की वजह से कर रहे थे, जो कि इसकी पत्री टूटी है। तो अब दोस्तों अगर आपके गियर सिर्फ लग दें, जब गियर आप लगाते हो लगते नहीं है या निकलते नहीं है, उस सूरत में दोस्तों आपका ये वाला जो स्प्रिंग होता है ना, ये वाला ये स्प्रिंग फारिग हुआ होता है, इसमें या लूज बनाया होता है या ये टूटा होता है, तब आप इस आपके जो बाइक के गियर सही लगते निकलते नहीं है ना, वो इस वजह से होते हैं। ये दो चीज़ें हमारी वर्क कर रही होती हैं, गियरों को जो कंट्रोल कर रही होती हैं, एक ही चीज़ कर रही होती है, एक ही चीज़ बाहर से, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी अपनी चेक कर देनी है अगर गियर में किसी भी किस्म का मसला आया तो। अब ये इसकी चीज़ टूटी है, मैं 10 की टी की मदद से स्टॉपर पत्री खोलता हूँ, ये भी मैं इसकी नहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों ये स्टॉपर पत्री आपको मैं खोल के चेक करा दूँ, उसके बाद मैंने एक बात आपसे और करनी है, वो बात आप सुन लें, फिर उसके बाद आपको जो दिल करे वो करते जाइएगा। ये देखें ये पत्री मैंने खोली, अब इस बाइक में ना ये मसला था कि ये इसकी पत्री टूटी हुई थी, आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको चेक कराता हूँ खोल के। काबला खोल देना आपने, इसके पीछे एक स्प्रिंग भी लगा होता है, ये देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, ये फिटिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारी स्टॉपर पत्री आ गई है, ठीक है। ये अब हमारी इस तरीके की होती है, ये ऐसे लगी होती है, देखें ये डिज़ाइन होता है इस पत्री का, ये ठीक है, ये डिज़ाइन हमारी इस पत्री का होता है, ये अब जो कि टूट की जिस वजह से गियर मसला कर रहे थे। हाँ दोस्तों इस वीडियो में ना मैंने आपको बता दिया कि आपके गियर मसला करते हैं तो क्या क्या वजूहत होती हैं, मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया है। इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं फुल कंप्लीट इसको फिटिंग करने का तरीका बताऊंगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस बसानी मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।